आज यहाँ पर ज़िला गजर का विंटर सपोर्ट्स एक्टिविटी अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत शानदार रहा प्रोग्राम। खालती लेक का विंटर सपोर्ट एक्टिविटी इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि वो जगह है, ये पाइनियर प्लेस है जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले विंटर सपोर्ट को इस आइस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये तकरीबन 2016-17 में, बाद में गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी आ रही। आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पूरे 10 के 10 अज़ला में नौजवान विंटर सपोर्ट्स को बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। और जो टैलेंट हमारे पास है, हम देख रहे हैं कि आगे जाकर ये नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इनके लिए ज़रूर मुकाम है। और बड़ा जोश खरोश से कोचिंग हो रही है, खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये है कि ये जो सर्दियां हैं इसको इस तरह से मैनेज करें कम्युनिटी और गवर्नमेंट मिलकर, एनजीओज मिलकर, तो पूरी सर्दियों में यहाँ के लोगों को इंटरटेनमेंट भी मिल सकता है। यहाँ नियर फ्यूचर में टूरिस्ट को भी हंट किया जा सकता है। तो बहुत सारा मल्टीपर्पजेज़ के मकासद हैं, फवाइद हैं। आज हम खालती लेक के ऊपर मौजूद हैं, खालती आइस फेस्टिवल जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 7 डेज़ विंटर फेस्ट, जो टूरिज़म डिपार्टमेंट का इस साल इनिशिएटिव था, उसके तहत हो रहा है। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। इसके अंदर टोटल जो है हमारी 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 3 फीमेल टीम्स हैं जबकि 10 जो है हमारी मेल टीम्स हैं। और इसके अंदर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फंडर का और यासीन का कि जहाँ से वो इस सख्त मौसमी हालात के बावजूद उनकी टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट को रौनक बख्शी। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है पिछली दफ़ा ये इवेंट नहीं हो पाया था और उसमें हम लेक के ऊपर नहीं कर सके थे, तो इस दफ़ा मैं शाबाश देता हूँ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को और खालती की आवाम को और कम्युनिटी को और KSDO को, खालती सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिनके तआवुन से मिलके इंतज़ामिया और टूरिज़म डिपार्टमेंट इस इवेंट को कामयाब तरीके से मुनक्किद करवा रही है। खालती विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि एक कैलेंडर इवेंट है, इसका आज पहला दिन था। पहला दिन आज इख्ताम पज़ीर हुआ है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हो गई, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और बेहतरीन किस्म का मैच हुआ जो कि यासीन और खालती के माबेन था। और इसके अलावा बाकी मैचेस हमारे अभी जारी हैं, 2 दिन मज़ीद इस इवेंट में जारी रहना है। तो इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी इसमें आए हुए हैं और साथ साथ इस बर्फ़बारी की वजह से थोड़े से हमें अरेंजमेंट में थोड़ी मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन उसके बावजूद मुकामी कम्युनिटी के तआवुन से और लैंड डिपार्टमेंट के तआवुन से हमने ये इवेंट कामयाब तरीके से इसका इनेकाद किया है। ये जो बेसिकली 3 रोज़ा जो इवेंट खालती के ऊपर 9th to 11th January ये स्टार्ट हुआ है, इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि विंटर स्पोर्ट्स के थ्रू विंटर टूरिज़म को अपलिफ्ट करना है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बिफ़ोर 2 ईयर्स ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ, खालती का जो इवेंट हुआ था 2021 में, और ये एक इवेंट कैलेंडर का हिस्सा है टूरिज़म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के ये इवेंट का इनेकाद करते हैं। और यहाँ की लोकल कम्यूनिटी ओबियसली जब तक इनका सपोर्ट ना हो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये जो खालती फ्रोज़न लेक है, ये 70 फीट से गहरी लेक है जिस पे सर्दियों में ये फ्रीज़ हो जाती है। 8 से 9 इंचेस यहाँ का जो है ये इसकी थिकनेस बन जाती है। तो इसके ऊपर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं डिफरेंट टाइप के विंटर्स के। तो इस दफ़ा चूँकि खालती लेक के ऊपर जो आइस की थिकनेस है, कभी मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारीक होती है, कभी जो है ना वो अपनी साइज़ पे हो जाती है, तो बाज़ औक़ात इवेंट के इंसुलेशन की तरफ जाने के खदशात होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने ये जो अरीना है बिल्कुल लेक के एडजेसेंट में बिल्कुल से बनाया हुआ है ये, ताकि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं।